आज कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी जयपुर में जब राहुल गांधी जी यात्रा लेकर के पहुंचे थे, वहां के मुख्यमंत्री ने मन से ये घोषणा की कि 1 अप्रैल 2023 से हम लोग सिलेंडर 500 रुपये प्रति परिवार एक साल में 12 सिलेंडर देने वाले हैं। जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी थी, लाखों किसानों का कर्जा माफ़ करने का काम किया। आज हिमाचल में सरकार बनी है तो जो ओपीएस स्कीम है उसका वादा किया था, पहली ही कैबिनेट मीटिंग में वो पास होने जा रहा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, गिरती अर्थव्यवस्था देश की है और किसानों की बदहाली के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। क्यों परेशान है? क्योंकि आज हमारे राहुल गांधी जी, आज भारी संख्या में आप देख रहे हैं, मीडिया दिखा रही है, हम बधाई देना चाहते हैं मीडिया का कि आज इतनी भारी संख्या, लाखों के, हजारों के नहीं, लाखों की संख्या में आज राहुल गांधी के साथ पूरा किसान है। ये यात्रा बदले कोरोना है ही नहीं, ये कोरोना का एक ड्रामा है। कोरोना अगर कहीं होता तो कहीं दिखाई देता, कोरोना कहीं नहीं। तो इस वक्त देखिए हम खड़े हैं आश्रम चौक पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारत यात्री जो हैं वो पूरी बड़ी तादाद में दिल्ली के अलग अलग कोनों से आए हुए हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए यहां पे दिख रही है। जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी युवा हैं, जितने बुजुर्ग हैं, सारे भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए इस वक्त आश्रम चौक पे यहां पे आए हुए हैं। हम बात करेंगे यहां पर कि देखिए मुद्दे क्या हैं आखिरकार। यहां पर राहुल गांधी जो कि 2024 का नारा लेके यहाँ पर पूरी की पूरी जनता यहाँ पे आई हुई है, उनसे बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे महिलाओं से। देखिए सबसे पहले आपका मुद्दा क्या है कि राहुल गांधी बीजेपी को हरा के 2024 में क्या आ सकता है, भारत जोड़ो यात्रा कितनी सक्सेसफुल है? देखिए मुद्दा हमारा नफरत का है। जब से ये वर्तमान सरकार आई है, हमारे देश में जो एक अमन चैन की स्थिति है, लोगों के बीच में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी 2024 में, बिल्कुल राहुल गांधी जी 2024 में दोबारा आएंगे। देखेंगे कि सारे बैनर पोस्टर लग चुके हैं, यहाँ पर लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं कि पूरी दिल्ली की कोने कोने से लोग इकट्ठे यहाँ पर हो गए, किस लिए? राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं सब, राहुल गांधी को नेता मानते हैं। 2024 में राहुल गांधी जी जीत गएंगे ये सब मानते हैं, लेकिन असलियत क्या है आप बताएंगे कि यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा कितनी सक्सेसफुल हुई है? लोग हम देख रहे हैं कि भारी मात्रा में आ रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग आ रखे हैं, लेकिन भाजपा क्या कर रही है? कोरोना का नाम लेकर बंद करवाना चाहती है। नहीं होगा, ये यात्रा बंद नहीं होगी, ये यात्रा बंद नहीं, कोरोना है ही नहीं, ये कोरोना का एक ड्रामा है। कोरोना अगर कहीं होता तो कहीं दिखाई देता, कोरोना कहीं नहीं। कोरोना दिखेगा क्या भाई? वो पार्टी कर रहे, प्रधानमंत्री जी अब त्रिपुरा में रैली करते थे, कोरोना नहीं होता, और भारत जोड़ो में कोरोना दिख रहा है, सिर्फ राहुल जी के लिए कोरोना है। विपक्ष क्यों परेशान है? क्योंकि आज हमारे राहुल गांधी जी, आज भारी संख्या में आप देख रहे हैं, मीडिया दिखा रही है, हम बधाई देना चाहते हैं मीडिया का कि आज इतनी भारी संख्या, लाखों के, हजारों के नहीं, लाखों की संख्या में आज राहुल गांधी के साथ पूरा किसान है। नहीं बिल्कुल, देखिए हिमाचल में जीत के आए हैं राहुल गांधी जी बढ़िया तरीके से, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी देखिए सीएम बन गए हैं। अब हिमाचल के बाद किसकी बारी है? देखिए राजस्थान का चुनाव भी आ रहा है, 2024 के चुनाव में थोड़ी सी देरी है, लेकिन हाँ भूले नहीं है 2024 को, 2024 में बढ़त के साथ आएंगे ये नारा लेके चल रहे हैं, आपका क्या मानना है? देखो जहाँ जहाँ चुनाव अभी अगले साल आने वाले हैं और 2024 में चुनाव आने वाले हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। जो लोगों की समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, गिरती अर्थव्यवस्था देश की है और किसानों की बदहाली के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, इसका आप चुनाव से मत जोड़िए। चुनाव तो अलग चीज़ है, परंतु भारत जोड़ो यात्रा जो है, ये जो देश की जनता इस समय त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, जो परेशान है उसके लिए निकाली गई है। आज गैस महिलाओं को, जो महिला बैठी है, महिलाओं को रसोई चलानी दुर्भर हो रही है और इनका पालन करना, बिल्कुल महिलाएं हमारे साथ बैठी है, महिलाओं से मैं देखिए जानना चाहूंगा। देखिए आप गृहिणी है, राहुल जी बार बार बोलते हैं अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, गैस चूल्हे के दाम जो कांग्रेस के सरकार में 300 होते थे 1170 पहुंच गए, आप अब घर कैसे चला पा रही है? और भारत जोड़ो यात्रा से अगर 2024 में आती है सरकार तो क्या ये बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। नहीं आप बताइए सर कि अगर 2024 में राहुल गांधी जी आते हैं तो क्या क्या बदलाव हो सकता है? और इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा जो हो रही है, आप सब जुटे हुए हैं यहाँ पे, इतनी मेहनत हो रही है यहाँ पर भारत जोड़ने की, एकजुट करने की, उस पर क्या कहेंगे और 2024 में क्या सरकार बन पाएगी सच में? देखिए भैया, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी जयपुर में जब राहुल गांधी जी यात्रा लेकर के पहुंचे थे, वहां के मुख्यमंत्री ने मन से ये घोषणा की कि 1 अप्रैल 2023 से हम लोग सिलेंडर 500 रुपये
प्रति परिवार एक साल में 12 सिलेंडर देने वाले हैं। जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी थी, लाखों किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया। आज हिमाचल में सरकार बनी है तो जो ओपीएस स्कीम है उसका वादा किया था, पहली ही कैबिनेट मीटिंग में वो पास होने जा रहा है। तो हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यदि 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, जो कि बनने जा रही है, तो निश्चित रूप से जो आज सिलेंडर का दाम है उससे आधे दाम में सिलेंडर मिलने का देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। और ये तो सिलेंडर की बात है, और तमाम तरह की चीज़ें हैं जिनके ऊपर तवज्जो देने की आवश्यकता है। वो सभी मामले पब्लिक डोमेन में हैं और राहुल गांधी जी उन सभी मामलों के ऊपर मुखरता के साथ सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, आम लोगों को साथ लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब कांग्रेस पार्टी की सरकार 2024 में बनेगी, हम उन सभी मुद्दों को एड्रेस करेंगे जिन मुद्दों को लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए चीन की, चाइना से बुरी खबर दोबारा आ गई, और बुरी खबर आते ही सबसे पहले ठीक रहा किस पे फूटा, राहुल गांधी पर, कि भैया आपकी वजह से कोरोना हो सकता है, इस पर क्या आपका बोलना है? देखिए डर है, ये स्पष्ट झलकता है भारत सरकार के चेहरे पर, मोदी जी के चेहरे पर, कि अब ये यात्रा दिल्ली आ गई है। ये कहते थे कि उत्तर भारत में यात्रा फेल हो जाएगी, पहले कहते थे दक्षिण भारत में फेल हो जाएगी, पहले कहते थे केरल के बाद ये चली नहीं पाएगी, ये तो दिल्ली आ गई है। आप पूरा देख रहे हैं मजमा क्या लगा हुआ है। तो सरकार के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। कोरोना क्यों नहीं है जब वहाँ जन आक्रोश यात्रा आपकी चल रही है, राजस्थान में, गुजरात में आप एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें लाखों लोग जुटेंगे, आप तमाम चुनावी रैलियां करते हैं, वहाँ कोरोना कहाँ चला जाता है? पिछली बार चलते हुए कोरोना में आपने कई चुनाव लड़ दिए, आपने नमस्ते ट्रंप कर दिया मोटेरा स्टेडियम में, तब कोरोना कहाँ चला गया था? तो हम ये कहते हैं ये सरकार के चेहरे पर चिंता की लकीरें भारत जोड़ो यात्रा ने खींच दी है। 2024 में ये देश बदलाव के दौर से गुजरेगा, 2024 का आम चुनाव और उसके बाद वाले और उसके पहले वाले सारे विधानसभाओं के चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, और आम जनता का पूरा सहयोग सार्थकता के साथ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस पार्टी का निज़ाम ही नहीं, इस देश के निज़ाम को बुलंद रखने के लिए, इस देश की आवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए यात्रा पर निकले हैं, और वो कामयाब है। नहीं बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी इस देश की निज़ाम के रूप में देखे देख रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारत जोड़ो यात्रा देखे कितनी सक्सेसफुल दिख रही है यहाँ पर, कि लोग दूर दूर से देखे दिल्ली प्रदेश में आए हैं और अपने नेता को, राहुल गांधी को, सिर्फ एक बार देखने के लिए, उनकी भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए। देखिए आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है 2024 में कुछ रंग दिखा पाती है या नहीं दिखा पाती। कैमरामैन सुमित के साथ पीयूष शर्मा, SPN9।